सियासतदान एक दूजे ते बहुत तिखे शब्दी हमले करते हैं, पर फिर भी सियासत की एक मर्यादा होंदी है जिस दे विच रह के ही अपने विरोधियों नूं अपना गुस्सा जां रोसा दिखाया जाता है। पर अकाली बसपा के पंजाब प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी अज ये भुल गए कि वह की कह रहे हैं। सुल्तानपुर पहुँचे गढ़ी की जुबान फिसल गई है और कांग्रसियों बारे वह बोलते बोलते मावां बारे भी मंदी शब्दावली वरत गए हैं, जिसका कि हुण विरोध होना शुरू हो गया। पहला सुनते हैं कि कह गए हैं जसबीर सिंह गढ़ी। मैं चाहना सारे कांग्रेसी फगवाड़े भजन जोर ला, और मैं थोड़ा भरोसा देकर जाना कांग्रसियों की मां भी कबर चो निकल के आ जाए तो ना फगवाड़ा हरा सकती है, ना सुल्तानपुर लोधी, ना पलाठे, ना कपूरथला तकड़े होना। हुण इस बयान तो बाद कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी तो कांग्रसी विधायक नवतेज सिंह चीमा ने गढ़ी के इस बयान पर कहा है कि मावां सब दियां सांझियां हुंदियां ने, मावां का दर्जा रब के बराबर हुंदा है। जसबीर सिंह गढ़ी नूं बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि औरतों बारे किवें गल करनी है। नाल ही उन्होंने गढ़ी के उत्ते इस मामले में लैके कार्रवाई करन दी गल आखी है। जिहड़े बंदे नूं इन्नी अकल नहीं भी मां का दर्जा रब तो रब जिहड़ा दर्जा दिता, और किसी की माँ हो, मैं कहना गढ़ी साहब की माँ होवें, किसी सुखबीर बादल की माँ होवे, वो दर्जा रब जिन्ना दिता हों सत्कार करना चाहिए। जिहड़ा लीडर यहो जी गल करेगा वो तो फिर उन्होंने अकली है नहीं, बिल्कुल ही उस बंदे को सेंस ही है नहीं भी लेडीज़ की इन्ना क ये सत्कार करते पार्टी लेडीज़ का जितना कहते सिर पर। जे तुम अपने माँ का सत्कार नहीं करते, जे तुम किसी की भी मान लो दुश्मन की भी माँ होता भी सत्कार नहीं करते, तो फिर तो तुम काबिल ही नहीं इस भी तुम स्टेज पर चढ़ के बोल सको। ये तो जरा इन्हों माफ़ी मंगनी चाहिए सारी लेडीज़ को, और जरा इन्होंने ये मूँह चो जे लफ्ज क्ढे आ कि मैं अगे भी एक दो बारी वेख्या इन्हों तो बिल्कुल समझ ही नहीं गई। ये तो सिर्फ टिकटा बेचते फिरते बी एस पी मिल गए चार मौका हूँ वो हालात इन्हों हो पाए, और ये बड़ा माड़ी गल की अज इन्होंने इतने आ के बंदा मूँह चो गल क्ढे जी जिनी गल सही हो, और जी माँ के खिलाफ एक गल की है सारे पंजाबियों के खिलाफ, सारे पंजाबी जो कल्चर आ साडा जो असी माँ रब का दर्जा दें वो खिलाफ़ ये गल की है, ये इन्हों जवाब देना पड़ेगा।